तत्तुं च नन्दयानन्दिमं चेयनिनन्दसहा परमतत्पदबिन्दुकौ नमियो सिद्धस्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुहि गुपतिन्यान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत्तौ जिनवर हम अर्थ त्यर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देवस को गुरु को धर्म को साची को बारम्बार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व पैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्वं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक्ति चरणं चेतन्निरूपं बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो। शुद्ध अमृतमय जिन वचनों की जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रसमय बिल्कुल अमृत रसायन से बिल्कुल सराबोर। सराबोर का अर्थ क्या है? बिल्कुल बिल्कुल पगी हुई ऊपर से नीचे नीचे तक, अर्थात आरंभ से लेके अंत तक, जिसमें अमृत ही अमृत है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, चैतन्य ही चैतन्य की प्रतीति है, शुद्धता ही शुद्धता का बोध है। ऐसी जनेन परमात्मा की अमृत रस धरती हुई शुद्ध देशना। जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है ये। जिन परमात्मा बनने वाले भव्य आत्माओं के लिए जिनेन्द्र परमात्मा का ही उपदेश है, और वो अमृतमय उपदेश, वो अमृत रसायन से सरावर वाणी का सहकार क्या है भैया? उसका सहकार कैसे होगा? जिस सत्य को आचार्य देव कह रहे हैं, जिस सत्य को जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, उस तत्व को मात्र स्वीकार करके वैसा ही मैं हूँ ऐसा स्वीकार करने से उस वाणी का सहकार हो जाए, वह वाणी आपके हृदय तक पहुँच जाएगी। कैसे? कि देखो, आचार्य परमात्मा तो अमृत रस को बोल ही रहा है, आद्य अनादि शुद्ध, तो शुद्ध चैतन्यमयी वीतराग तत्व है, शुद्ध वीतरागता तेरा स्वभाव है, ज्ञान विज्ञानमय केवल ज्ञान में ममल पद तेरा स्वभाव। वो सर्वक परमात्मा तो वीतराग जिनवर प्रभु वीतरागी जिनवर प्रभु जिनेन्द्र देव तो जिन स्वभाव को कह ही रहे हैं, वीतराग सत्ता को कह ही रहे हैं। अब उस वीतराग स्वरूप, उस वीतराग सत्ता को आचार्य परमात्मा तो कह ही रहे हैं। आप जैसा आचार्य परमात्मा कह रहे हैं वैसा आप अपने आप को अभी अनुभव कर लो, अर्थात वैसा अनुभव कर लो, अर्थात भाई अनुभव हमारे हाथ में है क्या? वैसा अनुभव कर लो का अर्थात ये है, वैसा आप अभी जैसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है वैसा ही आप अभी स्वीकार कर लो, इसी का नाम अनुभव। वैसा ही आप अभी स्वीकार कर लो तो उस जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सहकार हो जाएगा, और सहकार और अनुबोध ना, बस यही तो मोक्ष का मार्ग है। जिनेन्द्र भगवान की अमृत रसायन की जो अमृत रस धारा चल रही है, जो जिन भगवान का मार्ग है, शुद्ध सम्यक्त का प्रकाश है, ऐसे शुद्ध स्वभाव की, शुद्ध सम्यक्त की, ज्ञान विज्ञान में ममज पद की अनुबोधना और सहकार ही तो ध्रुवता का मार्ग है, शुद्धता का मार्ग है। चेतना तो परिपूर्ण तत्व है, उस परिपूर्ण सत्ता में, उस परिपूर्ण चैतन्य में, निराकार पिंड में, उसमें थोड़ी ना कोई उत्पाद भी होना। पिंड का परिणमन, पिंड की परिणति उत्पाद भी रूप है और अनादि से है और अनंत तक रहेगी,
लेकिन उस उत्पाद विरूप जो पर्याय चल रही है, एक समय का जो परिणमन चल रहा है, वो परिणमन जीव का चेतन रूप नहीं है। फिर क्या है भैया, वो अचेतन भी तो नहीं है ना, क्योंकि जीव चेतन में है, जीव तो अचेतन में परिणमित ही नहीं होता। तो फिर वो जीव का जो वर्तमान परिणमन है वो अचेतन में भी तो नहीं है ना, उसमें चेतनकंता कहीं ना कहीं तो है। भैया जीव तो पूर्ण चेतन में है और जीव का परिणमन भी पूर्ण चेतन में है, लेकिन जो तात्कालिक उसकी जो विभाव परोन्मुख दृष्टि है, जो तात्कालिक उसके जो पर्याय परिणमन की ओर जो दृष्टि है, वो पर्याय पुद्गल के संयोग साथ पुद्गल के संयोग के साथ घट रही है ना, वो चेतना पुद्गल के संयोग के साथ परिणमित हो रही है ना, पुद्गल में परिणमित नहीं हो रही, याद रखना, पुद्गल रूप परिणमित नहीं हो रही, पुद्गल के साथ संयोग में परिणमित हो रही है ना। तो पुद्गल के साथ संयोग में परिणमित हो रही है और जीव की दृष्टि बहिर्मुख है, जीव की परिणति बहिर्मुख है, तो पुद्गल के साथ परिणमित हो रही है वो चेतना, उससे कोई संक्लेश नहीं है, उससे कोई बंध नहीं है, उससे कोई संसार की यात्रा नहीं है, लेकिन उस पुद्गल के साथ संयोग रूप परिणमित होते हुए उस जीव की जो बहिर्मुख दृष्टि उस पुद्गल पर्याय पे ही है, अर्थात उस रूप को, उस रंग को, उस वर्ण को, उस अचेतन पुद्गल के वेदन को, उस नाना प्रकार की कषाय वृत्ति को ही, जो जीव का अपनापन उसमें जा रहा है, मेपना जो जीव का उसमें जा रहा है, जो जीव की दृष्टि वहां लगी हुई है, वो है उसका अपराध अनादिकालीन, जो अपराध जीव को पुद्गल और चैतन्यता के यथार्थ भेद को उत्पन्न नहीं होने देता। जीव को ये बोध नहीं आता, जीव आत्मा को ये बोध प्रकट नहीं होता, ये बोध नहीं आता अंतरंग से, कैसा बोध भैया, कि मैं तो निराकार चैतन्य पिंड हूं, आदि अनादि शुद्ध शाश्वत स्वरूप हूं, और यह घटने वाला त्रिकालवर्ती जो परिणमन है, जो पुद्गल संयोग जड़ चेतन से चल रहा है, वो एक समय का राग आदि विकारी परिणाम विभाव आदि परिणतियां मेरा तात्कालिक स्वरूप ही नहीं है, ये तात्कालिक परिणमन मेरा स्वरूप ही नहीं है, तात्कालिक मेरा वर्तमान स्वरूप भी ज्ञान विज्ञान में वितराग स्वभाव वाला है, तात्कालिक इस समय इस क्षण भी मैं तत्व मात्र हूं, वितराग स्वरूप हूं, आदि अनादि शुद्ध। भैया इस समय भी आप आदि अनादि शुद्ध है, वितराग स्वरूप वाले हैं, तो भैया पुद्गल के साथ क्यों संचरण हो रहा है? मैंने कहा ना भैया, पुद्गल के साथ संचरण होना जीव का अपराध नहीं है, वो तो तत्समय की योग्यता है, अब वो तो पूर्व में जो घट गया, जो कर्म बंध गए, उनका परिणाम चल रहा है, पुद्गल और जीव का एक देश एक क्षेत्र का जो अवगान चल रहा है, वो एक क्षेत्र का अवगान तो पूर्वकृत परिणतियों से है, लेकिन उसमें वर्तमान में राग द्वेष करना, वर्तमान में उसमें जुड़ना, वर्तमान में उपयोग को वहां लगाना, वर्तमान में दृष्टि को अचेतन पुद्गल में देना, वर्तमान में मिथ्या मान्यताओं का पोषण करना, राग आदि का पक्ष करना, ये जीव का अपराध। भैया ये वर्तमान का जीव का अपराध कैसे मिटे? बस उसी का तो उपाय चलता है, उसी का तो मार्ग बता रहे हैं जिनेन परमात्मा, क्या आद्यवनादि शुद्धम, वर्तमान पर्याय में ही मैं शुद्ध हूं, वर्तमान अवस्था में ही मैं शुद्ध हूं, राग देश पर्याय पुद्गल अचेतन कर्तृत्व भोक्तृत्व माया भ्रांति रूप मेरा परिणाम नहीं हो रहा, भिन्न हूं, पुद्गल पुद्गल विभाव परिणति कर्म कालिमा अज्ञान धारा से मैं सर्वदा भिन्न हूं, ऐसी दृष्टि जिनके पास है बस वह ज्ञानी, ऐसी चेतन स्वभाव की दृष्टि जिनके अंतरंग में है, वैसी ज्ञाय ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव पे दृष्टि जिन ज्ञानियों की है, वे ज्ञानी इस चतुर्गति की यात्रा से, इस संसारिक लौकिक परिणाम और परिणमन से मुक्त है, उन्हें बोध है कि ओ मैं तो निराकार चैतन्यमय परमात्मा, मैं तो निराकार ब्रह्म स्वरूपी भगवान। देखो भैया बहुत अद्भुत कला है, जिन जिन शासन चिन्हन भगवान की वाणी बहुत अद्भुत है, पुद्गल के साथ संचरण होने वाले जीव को राग आदि कषाय विभाव परिणतियों के कर्म उदय के बीच में जीव को सिद्धों जैसा बोध कराने वाली, इसका नाम है जिनवाणी, जिन भगवान के वचनों का सहकार चल रहा है, राग द्वेष कषाय मोह अज्ञान भाव सारे विभाव परिणाम कर्तृत्व भोक्तृत्व संयोग ये सब
घटित हो रहा है, अपनी योग्यता से कर्मधारा रूप में घटित हो रहा है, और जीव को बोध हो रहा है कि ओ मैं तो शाश्वत ब्रह्म स्वरूप। देखो देखो मन वचन काय में भूख प्यास का वेदन है, बहुत अच्छे से सुनो, मन वचन काय में भूख प्यास का बोधन है, इंद्रियों में काम विषय वासना की आसक्ति है, और क्या बोलते हैं संयोगों में निमित्त पदगल ममता आदि मोह आदि के परिणाम है, रायवादी विकारी भाव की परिणतियां चल रही हैं, अर्थात अज्ञान भाव का पुरजोर परिणमन चल रहा है, जैसा बंधा हुआ था वैसा निकल रहा है। लेकिन वह जीवात्मा उस अज्ञान भाव को स्वीकार ना करके, मैं ज्ञान विज्ञानमय ममल पद वाला हूँ, चैतन्य पद वाला हूँ, पुद्गल पर्याय से भिन्न हूँ, ज्ञाता निष्ठा हूँ, शाश्वत अनादि अनंत ध्रुव चेतना हूँ, इसे शाश्वतता के बोध 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 वेदन कह लो, शाश्वतता के वेदन में लगा हुआ। भैया भैया ऐसा कैसे हो गया, उसे मन वचन का भूख प्यास संसार पुद्गल इन सब विषयों का वेदन चल रहा है, अनुभूति चल रही है, इन सारे वेदन और पुद्गल के अनुभूति के बीच में उसे अपनी शाश्वत सत्ता का वेदन कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसे उसके विश्वास में, उसकी श्रद्धा में, उसे उसके बहुमान में, उसे उसकी जय जयकार में, उसे उसकी ललकार में, उसे उसकी टंकार में, उसकी हुंकार में, उसको शाश्वत सत्ता का बोध आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया? क्योंकि उसने अपने चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव को प्रत्यक्ष जाना है ना, अनुभव किया है शाश्वत स्वभाव को, मतिशुद्ध ज्ञान की परोक्ष दशा में उसने प्रत्यक्ष परमात्मा का अनुभव किया है, परोक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष स्वभाव को देखा है, अनुभव रूप देखा है ना, स्वानुभूति रूप शुद्धात्म अनुभूति रूप देखा है ना उसने, अतीन्द्रिय आनंद को देखा है ना उसने, और जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसके विश्वास की नजरों से देखा उसने। आप कहो कि भैया नहीं है अनुभव, तो उसने जिनेन्द्र भगवान की वाणी के विश्वास के अनुभव में तो देखा है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जो विश्वास है, जिन स्वभाव का जो स्वभाव उसके अंदर में अभी भी है, स्पल भी है, जिन स्वभाव का जो विश्वास है, उस विश्वास की नजर में तो उसे परमात्मा ही झलक रहा है ना। अब कहाँ जाओगे आप, कहाँ ले जाओगे आप उसे, कौन से कर्मों से डराओगे आप उसे, कौन से अपराधों का बोध कराओगे आप उसे, कौन से पुद्गल कर्म परिणाम का आप उससे कहोगे तू करता को तू भोगता है, उसे उसे कुछ पता ही नहीं लगेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा ये बात। क्यों नहीं आएगी भैया उसे ये संसार के कर्ता भोक्ता की बात समझ में? क्योंकि 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 उसने अपने ध्रुतगाली का विश्वास कर लिया है ना भगवान जी, विश्वास तो एक ही जगह रह सकता है ना, आस्था तो एक ही जगह हो सकती है ना, समर्पणता तो एक ही जगह हो सकती है ना। अब वो ध्रुतगाली की कली कहा था ना, प्रेम गली अति साकड़ी जा में धोखा नहीं प्रवेश, जब उसके वात्सल्य से ध्रुव स्वभाव के वात्सल्य से उसकी दृष्टि में अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव आ गया है, ज्ञान विज्ञान में पद आ गया है, अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा से वात्सल हो गया है, तो अब ये बताओ जब उसके उपयोग में त्रिकाली का वात्सल है, जिन वचनों का वात्सल है, अपने ज्ञान विज्ञान में चैतन्यमय सत्ता का वात्सल है, तो अब उस आत्मा को कैसे संसार शरीर आदि का बोध होगा, अभी परिणाम चलेगा, राग का भाव आएगा, भूख प्यास लगेगी, मन वचन का आएगा, परिणमन होगा, लेकिन उसमें सत्यता भाषित नहीं होगी, असत्य परिणमन है, मिथ्या परिणमन है, काल्पनिक परिणमन है, और शाश्वत सत्य तो जिन स्वभाव है आद्यमन आदिशत, ऐसा प्रतीति में वरतता है, ऐसा प्रतीति में कि शाश्वत स्वभाव तो मेरा जिन स्वरूप है, शाश्वत स्वभाव तो मेरी शुद्धात्मा है, शाश्वत स्वभाव तो मेरा आद्यमन आदि शुद्धम है, शाश्वत स्वभाव तो मेरा वीतराग चेतन में निराकार तत्व है, मैं तो ध्रुव शुद्ध हूँ, ध्रुव शुद्ध हूँ, और ये सारा भूख प्यास संसार चतुर्गति यात्रा ये सारा परिणमन अज्ञान भाव सब अचेतन भाव है, ये तो सब असत्य है, ये तो सब कर्तत्व भोक्तत्व की धाराएं सब असत्य है, ये तो सब अज्ञान भाव पूर्णतः असत्य है, मैं तो ज्ञान विज्ञान में आनंद परमानंद में आदि अनादि शुद्ध है, आदि अनादि शुद्ध है, आदि अनादि शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा शाश्वतता का बोध उपयोग में। क्योंकि भैया क्योंकि क्यों भैया इतनी ऊंची बात उपयोग, क्योंकि उपयोग में सम्यक दर्शन का व्यवहार प्रारंभ हो गया ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग परिणमित हो रहा है ना, निशंकता परिणमित हो रही है, निकांक्षितपना परिणमित हो रहा है, निर्विचिकित्सा अंग परिणमित हो रहा है, अमूर्त दृष्टि अंग परिणमित हो रहा है, उपगुहन अंग परिणमित हो रहा है, स्थितिकरण अंग परिणमित हो रहा है, वात्सल अंग परिणमित हो रहा है,
जहां उपयोग में ऐसे सम्यक का परिणाम चल रहा है, वहां ऐसी जय जयकार की प्रभावना तो होगी कि जय हो जय हो जय हो, अपने जयवंत स्वभाव की जय हो, क्योंकि परिणाम काय के साथ चल रहा है। आप देखो ना उपयोग का व्यवहार काय से, उपयोग निशंक होकर अपने ध्रुप्त काल में भरत रहा है, अब काय का भी होगा, उपयोग निकांक्षित हो रहा है, बिल्कुल कोई कांक्षा कोई संसार के प्रति कोई अभिप्राय नहीं बचा, संसारी जीवों से कोई मिथ्या अभिप्राय नहीं है, संसार में कुछ कसायों में कुछ करना धरना ही नहीं रह गया, निकांक्षित पना बरत रहा है, निर्विचिकित्सा राग देश परिणति को अपने से भिन्न जान लिया, स्पष्ट स्वीकार कर लिया कि मैं तो शुद्ध हूं, राग देश का कर्ता भक्ता मेरा परिणाम ही नहीं है, राग देश का परिणाम त्याग है, अर्थात राग देश परिणाम का पक्ष छोड़ा है, अमूर्त दृष्टि मूर्ता त्यागी अनादिकाल की, पर पर्याय परिणाम की ओर जो जीव की अनादिकालीन दृष्टि थी, जो नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती थी पर्याय से, उन पर्याय परिणाम को देखने ही बंद कर दिया, अमूर्त दृष्टि का सहकार किया। और भैया उपगुहन अपने अनंत आत्मा के गुणों को उत्पन्न किया भगवान जी, अब गुणों को देखा ही नहीं है, दोष पर्यायों से प्रीति खत्म ही कर दी, स्थितिकरण करा है काय में, अपने ध्रुव प्रकाली में स्थित हुआ है भगवान जी, कैसे स्थित हुआ वह ध्रुव प्रकाली में, अरे उसने पर्याय परिणमन की एक ही समय की अवस्था को देखना बंद कर दिया, और शाश्वत निराकार ध्रुव स्वभाव है उसमें स्थित कर लिया अपनी दृष्टि को, भैया जब ऐसी स्थितिकरण करा उसने तो उसे अपनी आत्मा से वात्सल्य है, तभी तो इतनी निशंकता निर्विचिकित्सा उपगुहन अमूर्त दृष्टि ये सारे अंग उसे क्यों प्रकट हो रहा है, ये उसे वात्सल्य हो रहा है अपनी आत्मा से, गहरी प्रेम है अपनी आत्मा से, गहरा प्रेम है अपनी, गहरी रुचि है अपनी वीतराग सत्ता से, गहरा लगाव है अपने वीतराग ममल ध्रुव स्वभाव से, बहुत गहरा लगाव है, बहुत गहरी अंदरूनी प्रवृत्ति है, अंदरूनी प्रवृत्ति और बिल्कुल अंदरूनी सत्यता बैठी हुई है ध्रुव स्वभाव पे, अंदरूनी बिल्कुल अंतरंग से बहुत गहरा प्रेम बैठा हुआ है अपने वीतराग स्वभाव से, बहुत गहरा वात्सल्य बैठा हुआ है, इसलिए तो ये सब हो रहा है उसके जीवन में, इसलिए तो शुद्ध व्यवहार हो रहा है उसका, उपयोग का निशंक आदि का व्यवहार बिल्कुल निर्वाग निर्विघ्न रूप से चल रहा है। भैया जब निर्विघ्न रूप से निशंक आदि स्वभाव रूप उसका व्यवहार उपयोग का व्यवहार चल रहा है, उसका आचरण सम्यक आचरण हो रहा है, सम्यक चरण चारित्र में और वो रत कर रहा है, तो भैया प्रभाव ना तो होगी, जय जयकार तो मचेगी, आप रोक के बताओ जैन धर्म की जय जयकार को, आप रोक के बताओ उसके बहुमान को, आप रोक के बताओ उसके आनंद को, आप रोक के बताओ उसकी नाना प्रकार की वृत्तियों को, उसके आनंद को, उसके महोत्सव को, उसके अंदर से उसका जो खुमारी उठ रही है, अंदर से जो उसकी स्फूर्णाएं उठ रही है जय जयकार में ध्रुव स्वभाव की, वो जय जयकार को आप रोक के बताओ, रोक ही नहीं सकते, उसके बहुमान को आप रोक ही नहीं सकते, उसके आनंद को आप रोक ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने पहले कहा था जिसके अंदर में ऐसी इस ममल बुद्धि का परिणमन चलेगा, निर्मल मति का परिणमन चलेगा, निर्मल शुद्ध ज्ञान का परिणमन चलेगा, उसके जीवन से प्रभाव ना करनी थोड़ी पड़ेगी, उसके जीवन से उसके रोम रोम से प्रभाव ना हो, आज का अंग तो प्रभावना का है, अर्थात आनंद का है, आनंद महोत्सव का अंग है ये, तो प्रभावना मतलब जिन शासन का आनंद, जिन शासन की जय जय का समूह शरण का वैभव, अर्घविंद ध्रुव स्वभाव का प्रकाश, जय हो जय हो जय साय जय जिन साय, उत्पन्न स्वभाव का महोत्सव है, तो भैया प्रभाव ना मतलब उत्पन्न जिन स्वभाव का महोत्सव, जिनन भगवान के समूह शरण का महोत्सव, जिन वाणी का प्रभावना काय से हो रही भैया प्रभावना, जिन वचन उत्पन्न हुए तो हो रही है, जिन भगवान के वचनों का सहकार उत्पन्न हुआ है तो हो रही है, जिन जिन आनंद रंज रमण में अपना परमात्मा अपना आगंतुक ममले ममल स्वभाव अपने हृदय में आया है, स्थितिकरण हुआ है, आत्म स्वभाव की प्रीति बरत रही है, और रोम रोम से परिणति स्वभाव से वात्सल करके स्वभाव की शुद्ध भावना भाते हुए, स्वभाव का ही शुद्ध सहकार करते हुए, शुद्धात्मा की भावना भाते हुए परिणति बहुत भक्ति और बहुमान से मैं पायो स्वामी आपने का नाद कर रही है, भैया कोई रोक हो नहीं सकता है, जीने ली मेरी हुलसत है, जीने ली मेरी विगसत है, आप बताओ जिनेली उलस रही है, जिनेली विगस रही है, जिनेली रंज रमण आनंद वांछा में अपने ध्रुव तत्व का सहकार कर रही, त्रिक ममल स्वभाव उत्पन्न हो गया, रत्नत्रय त्रिक उत्पन्न हो गया है, आद्यम अनादि शुद्धम का नाद हो रहा है, अब जहाँ जिनेली उलस रही हो विगस रही हो विलस रही हो,
अपने जय जयवंत सभा में रम रही हो, अब उसे रोक के बता दो। तीन लोक की सारी कर्म धाराएं भी लग जाएंगी तो उस परिणति को रोकने में सामर्थ्यवान नहीं है। क्यों? क्योंकि कम स्वभाव संकेपना वो दृष्टि, वो ज्ञान, वो परिणति सारे कर्मों को क्षय करते हुए, सारे बाधाओं को उपशमित करती हुई वो परिणति ध्रुव में रमे बिना रहेगी नहीं। और वो परिणति ध्रुव में रमेगी, ध्रुव में जमेगी तो प्रभाव ना हुए बिना रहेगी नहीं, जय जयकार मचे बिना रहेगी नहीं, तीनों लोकों में हुंकार लग आम ब्रह्मास्मि की गर्जना निकले बिना रहेगी नहीं, तीनों लोकों में ध्रुवता का शंखनाद हुए बिना रहेगा नहीं, तीनों लोकों में जय जयकार तो होगी। क्यों होगी भैया? क्योंकि जिन धर्म का महोत्सव प्रतरपन समो शरण सो अचरच भयो, जैन धर्म पहचान महोत्सव उठ चलियो, हर्षद वीर जिनेन क्षणिक सन्मुख भय। क्या है? जैन धर्म पहचान। भैया जैन धर्म है, जिनेन भगवान की वाणी उत्पन्न हुई है, जिन शासन का उदय हुआ है, सहानुभूति में निज परमात्मा आया है, लोकों का तीनों लोकों का नाथ जिन जिन पर स्वामी स्वानुभूति में प्रकट हुआ है। भैया समोशरण आया है, जिन 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 आनंद, जिन रंज, जिन रमण अपनी आत्म स्वभाव की परिणति उत्पन्न हुई है, अब तो भैया महोत्सव तो उठेगा ही, महोत्सव तो उठेगा ही, जिन लोगों में जय जयकार तो होगी। हो ही नहीं सकता कि केवल ज्ञान सादृश्य सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रकाश हो, क्योंकि केवल ज्ञान के सरदस है सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान के सरदस्य सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रकाश हो और आनंद और महोत्सव ना हो, लोक में सुख ना हो, वो ये संभव ही नहीं। जब गुरु माया ने कहा ना सम्यक ज्ञानम चंदन सुख्यम, अर्थात क्या सम्यक ज्ञानम चंदन सुख्यम? क्या भगवान जी जीव का सम्यक ज्ञान में आचरण हो, वस्तु स्वभाव के सहकार में आचरण हो, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य स्वरूप का सहकार करने में आचरण हो, अपने परम पारणामिक परमात्म स्वभाव की रमणता में आचरण हो, और सुख की धार ना बहे, अंतरंग में तो सुख की धार बहेगी, और जब जीव की अंतरंग परिणति में सम्यक ज्ञान में आचरण होगा तो अनादिकाल के दुख तो बुलाएंगे ही, और जब जीव की अंतरंग परिणति में अनादिकाल के दुखों से छुटकारा होगा, अनंत सुख में अर्थात वस्तु स्वरूप में आचरण होगा, तो सहज जिन धर्म की प्रभाव ना तो निश्चित है, बाहर में जय जयकार तो मचनी है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा अंतरंग से सुजगी होगा, अंतरंग से निराकुल होगा, अंतरंग से शांति और आनंद में होगा, अंतरंग से अपने ममल स्वभाव में विलास कर रहा होगा, अंतरंग से जिसे अपने आत्म स्वभाव की प्रियता वात्सल्य प्रकट हुई होगी, उसे बाहर से राग द्वेष कसाय के परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे, किसी से बैर विरोध शत्रुता उत्पन्न नहीं होगी, तीव्र कसाय प्रकट नहीं होंगी, और जिस जीव को बाहर से राग देश विरोध बेर कसाय मोह आदि के भाव प्रकट नहीं होंगे, उस जीव का प्राणी मास से वात्सल्य होगा, और भैया जहां भी वो जाएगा, जहां भी वो बैठेगा, जिससे भी वो मिलेगा, उस सुख की आनंद की जो उसके अंदर वरत रहा, उस सुख की उस आनंद की उस जय जयकार की प्रभाव नहीं प्रभाव नाम के रूप में सब लोग उसके आचरण को अंगीकार करेंगे, सब लोग उसके सुख को अंगीकार करेंगे, सब 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 जो भी प्राणी अपना हित चाहेगा सब उसके आनंद को अंगीकार करेंगे। क्यों? क्यों भैया? भैया क्यों? भैया क्यों सब उसके सुख को, उसके आनंद को सब जीव अंगीकार क्यों करेंगे? भैया सब जीव अपने क्रोध का कराय को सबको छोड़ के उसके सुख को अंगीकार क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जय त्रिभुवन में जीवनता सुख छावे दुख से भयवंता, इस तीनों लोकों में सब प्राणी सुख को चाहते हैं और सब दुख से भयभीत हैं, लेकिन वे प्राणी अज्ञानता के कारण उस सुख के गुण रहस्य को नहीं जानते, और जब वो अनंत सुखी किसी आत्मा को देखेंगे, अनंत आनंद में ओतप्रोत किसी आत्मा को देखेंगे, अनंत वीतराग स्वभाव में अवगाहन करते हुए किसी परमात्मा को देखेंगे, अपने अनंत सम्यक ज्ञान दर्शन में आचरण करते हुए किसी योगी को देखेंगे, जब सुख में निमग्न किसी सम्यक्ति को देखेंगे, तो उन्हें उस सुख की लालसा, उस सुख की उन्हें लोलुपता, उस सुख की उन्हें पिपासा अपने आप ही जिन धर्म की प्रभाव न करने में मजबूर कर देगी, जिन धर्म को स्वीकार करने में मजबूर कर देगी, वो शांति, वो सुख, वो आनंद, वो बरतता हुआ शाश्वत वीतराग जिनको, वो बरतती हुई निर्मलता, वो बरतती हुई निर्मल दर्शन ज्ञान की परिणति, वो बरतती हुई ममल स्वभाव की जय जयकार, वो सुख का बहता हुआ झरना,
वो अनंत जीवों को ज्ञान अमृत का रस स्वादन कराने के लिए प्रोत्साहित कर देगा, अनंत जीवों को उस सुख की रस धार को पीने के लिए प्रोत्साहित कर देगा। वह जीव सहज जिन धर्म की प्रभावना की अनुमोदना कर लेंगे, कहेंगे धन्य है ये जिन शासन, धन्य है ये जिन स्वरूप, धन्य है ये वीतराग में पंत जहाँ आद्य मनादि शुद्धाम। एक ध्रुवता का संकनाद होता है, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, मैं तो आद्य मनादि श्रद्धा मुख। तीनों लोक में चरचर सब भव्य प्राणी उस शुद्धता को अंगीकार कर लेंगे, और सब मुक्ति मुक्ति को स्वीकार करके चली चलो न मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय, सब इस ज्ञान मार्ग पे आरोहण करेंगे, सबको सबके जीवन में मंगल और आनंद छाएगा, जितने भव्य जीव हैं सबके हृदय से प्रभाव न होगी। हमने हाँ कितने बार कहा भैया जिन शासन का मार्ग प्रभावना का मार्ग है, एक की ज्योति जलेगी तो एक की ज्योति से हजारों ज्योतियां अपने आप जलेंगी, अपने आप जलेंगी, अपने आप प्रवाह होगा, अपने आप जय जयकार मचेगी, अपने आप जिन शासन का महोत्सव उठ के ऊर्ध्वगामी होता हुआ चलेगा। किसके किसके हृदय में भैया? जिसके हृदय में सम्यक का प्रभाव बलवत्ता से होगा, जो मिथ्या परिणति से मिथ्या परिणामों से मन की शल्यों से बुद्धि की भ्रांतियों से नाना प्रकार के विकल्पों से अपनी चेतना को ऊर्ध्वन गमन रूप दे जान के, अपनी चेतना को ऊर्ध्वन मुख जान के ऊर्ध्व स्वभाव में चरण कर जाएंगे। ओंकार से ऊर्ध्व ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, अपने शाश्वत ऊर्ध्व स्वभाव का बोल स्पष्ट प्रकट कर लेंगे, अपने विंद निराकार शुद्धात्म स्वभाव का स्वानुभव प्रकट कर लेंगे। उन ज्ञानियों के जीवन से ये जिन शासन की प्रभावना स्वयं अपने आप होगी, अपने आप चारों तरफ जिन शासन की जय जयकार होगी। इस पंचम काल में भी यदि कोई कहे कि भगवान जी इस पंचम काल में समोषण नहीं है, अरे इस पंचम काल में भी समोषण की तरह प्रभाव न होगी उनके जीवन से, निर्दोष प्रभाव न होगी, बिना वेर विरोध के, बिना कोई प्रपंच के, बिना किसी आडंबर के निर्दोष प्रभाव न होगी इस पंचम काल में भी। क्यों? क्योंकि सम्यक्त किसी काल के अधीन नहीं है, सत्य किसी काल के अधीन नहीं है, धर्म किसी काल के अधीन नहीं है, जितेंद्री पद जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी किसी काल के अधीन नहीं है, वो हर काल में निर्मल विमल स्वरूप है, हर काल में वो शुद्ध बुद्ध है, हर काल में वो परम उत्कृष्ट चैतन्यमय प्रकाश को दर्शाने स्वानुभव स्वानुभवमय सरस्वती है। उसकी प्रभावना के लिए कोई काल वादक नहीं है। लोग वक्त तो बहाना बनाते हैं जिन्हें पुरुषार्थ नहीं करना, पंचम काल है, छठम काल है, खैर छठम काल में तो वाणी सुनने नहीं मिलेगी जीवों को, लेकिन लोग बहाना बनाते हैं पंचम काल, पंचम काल है, क्या करें, कैसे करें, कैसे होएगा, सब बहाना है, नहीं स्वीकार करने का बहाना है, पुरुषार्थ नहीं करने का बहाना है। नहीं तो इस पंचम काल के तो अंत तक ऐसी जिन शासन की प्रभावना कहिए, शुद्ध प्रभावना कहिए, शुद्ध प्रभावना कहिए पंचम काल में, जिन जीवों के हृदय में होगी वो जीव जिन शासन की महिमा से ओतप्रोत स्वयं तो होंगे ही, स्वयं तो जय जयकार मचाएंगे ही, लेकिन उनके निमित्त से अनंत भव्य आत्माएं जागृत होके जय जयकार करेंगी, जय जयकार करेंगी, जिन शासन की पताका लहराएगी। वीतराग धर्म कभी लुप्त तो नहीं होगा इस पंचम काल में, सदा सदा जयवंत रहेगा। कैसे जयवंत रहेगा भैया? भव्य आत्माओं के हृदय कंठ में उनकी सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति में जयवंत रहेगा, जयवंत रहेगा, जय जयकार मची रहेगी, चारों तरफ जिन शासन की प्रभावना मची रहेगी। कब भैया? किनके भैया किनके हृदय में जिन शासन की जय जयकार मची रहेगी? किनकी आत्मा में जिन शासन की जय जयकार रग मची रहेगी? जिनकी किनकी ध्रुव परिणति में जिन शासन की जय जयकार मची रहेगी? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में निर्मल परिणति को प्रकट करते जाएंगे, जितना जितना मैं अद्यम अनादि शुद्धम ममल स्वभाव का धारी हूँ, चैतन्य पिंड परमात्मा हूँ, जितना जितना उनका श्रद्धान ज्ञान निर्मल होता जाएगा, उतना उतना जिन शासन का प्रभाव इस लोक में प्रभावित होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। भैया यदि सम्यक दर्शन को अंगीकार करके ही आप जिन शासन की प्रभावना कर सकते हो, आप बाहर के विकल्प छोड़ो कि हम मेला भरवा दें, आप बाहर के विकल्प छोड़ो कि हम बाहर की कोई क्रिया करा दें,
आपको यदि जिन शासन की परवाह ना करनी है तो आप एक संकल्प लो, क्या मैं तो आद्य मनारी श्रद्धा विद्धम जिनवर शेषाना, मैं जिनेन्द्र परमात्मा का शिष्य हूँ, आदि अनादि से शुद्ध हूँ, रत्नात्रेय चतुष्टय का पुंज हूँ, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव शासन है मेरा, जिन स्वरूप है मेरा, इसे जिन स्वभाव की प्रीति, इसे जिन स्वभाव की महिमा अंतरंग में जागरण करो तो रोम रोम से तीनों लोकों में तुम्हारी प्रभाव होगी, तुम्हारी अर्थात इस शरीर की नहीं, तीनों लोकों में जिन शासन जो तुम्हारा सम्यक है ना निर्मल सम्यक, उस निर्मल सम्यक की तीनों लोकों में प्रभाव ना होगी, तीनों लोग उस प्रभावना से अपने सुख के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, हर भव्य प्राणी उस सुख के मार्ग को अंगीकार करेगा। कल भी कहा था ना भैया, ये वात्सल्य का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ये तो त्रियांश, अरे त्रियांश प्राणी पशु तक अंगीकार करेंगे, मानव की तो छोड़ो, वात्सल्य का मार्ग है ये, प्रेम का मार्ग है ये, करुणा का मार्ग है, दया का मार्ग है या हिंसा का मार्ग है, इसे त्रियांश पशु तक अंगीकार करेंगे, सब समुदाय सब पंत सब आडम्बरों को छोड़ के हर प्राणी मात्र जो भी भव्यता को सुख को चाहेगा वो इस मार्ग को अंगीकार करेगा। लेकिन भैया ऐसी प्रभावना किनके जीवन से होगी, जे जो जीव राग देश आडम्बर अपनी माया अपनी मन की पक्ष और मिथ्या प्रवृत्ति का सहकार छोड़ के एकमात्र जिन वचनों के प्रति समर्पण करेंगे, आद्य मनादि श्रद्धा, एकमात्र सम्यक के प्रति समर्पित होंगे, एकमात्र सत्य के प्रति समर्पित होंगे, उन जीवों के हृदय से उन जीवों की आत्मा से शुद्ध जिन धर्म की प्रभावना होगी, और ऐसी प्रभावना होगी, ऐसी प्रभावना होगी जिस प्रभावना को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई जिसको बाधित नहीं कर पाएगा, निर्बाध रूप से होगी। बाहर की यदि कोई कोई क्रियाएं करो, कुछ करो, बाहर की प्रभाव ना करो तो बारिश हो गई तो कहीं कोई प्रपंच आ गया तो कहीं आडम्बर आ गया तो कहीं कुछ हो गया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, नाना प्रकार की सल आ जाएंगी, नाना प्रकार के अवरोध आ जाएंगे। लेकिन भैया यदि स्वयं के चैतन्यमय ज्ञान पिंड आद्य अनादि शुद्ध भीतर स्वभाव को स्वीकार करो, स्वयं के आद्य अनादि शुद्ध वीतराग परम निर्मल वीतराग पद को स्वीकार करो, इस वीतराग पद को स्वीकार करने के बाद जो शुद्ध सम्यक का प्रकाश सर्वांग से उत्पन्न होगा उस प्रभावना को रोकने में तीन काल और तीन लोक में कोई सामर्थ नहीं है, कोई कर्मधारा उस प्रभावना को रोकने में सामर्थ नहीं है, वो शुद्ध प्रभावना है और सम्यक की प्रभावना को तीन काल में कोई नहीं रोक सकता। जिन शासन की प्रभावना हमने परसों वर्षों भी बताया था ना, जैसे अचल प्रगाढ़ सम्यक अरिहंत परमात्मा के अंदर में प्रभावित हो रहा है, उस अचल प्रगाढ़ सम्यक से ही ये धुंधु ही शब्द, ये केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ये अनंत शक्तियां निकल रही हैं, और इन अनंत शक्तियों को जिन देशना के रूप में भव्य आत्मा प्राप्त करके ये भव्य जीव उस सम्यक की तो अनुबोधन कर रहा है, उस सम्यक्त का तो सहकार कर रहा है, और सम्यक्त का सहकार करने से इस जीव को इस जीव के अंतरंग में विद्यमान इसके सम्यक्त का बोध हो रहा है, इसके सत्य का बोध हो रहा है, इसके ज्ञान विज्ञान में पद का बोध हो रहा है। भैया जैसे जिनेन्द्र भगवान के अंदर से निकले हुए सम्यक्त का अनुमोदन से इस भव्य आत्मा को अपनी सम्यक सत्ता का बोध हो रहा है, ऐसे यदि तुम्हारे सम्यक का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, तुम्हारे सम्यक ज्ञान में आचरण से तुम्हारे सुख का तुम्हारे आनंद का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, तुम्हारी अंतर आत्मा के स्वयं के जय जयकार स्वभाव का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, तो अपने आप ही हर आत्मा हर जीव तुम्हारे सुख की अनुबोधना करके अपने सम्यक को उजागर कर लेगा, अपने ज्ञान विज्ञान को उजागर कर लेगा। अरे जो भव प्राणी तुमसे जुड़ेगा वो तुमसे जुड़ने से तुम्हारी सम्यक दृष्टि हो जाएगा, क्यों क्यों सम्यक दृष्टि हो जाएगा भैया वो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से सम्यक का प्रकाश निकलेगा ना भैया, सम्यक का प्रकाश शब्दों की वाणी की प्रभावना में विश्वास नहीं रखता, सम्यक का प्रकाश अपने अनंत तेज के साथ अपने अनंत वीर के साथ जीवों की चेतना को प्रभावित करता है, जीवों की चेतना को आकर्षित करता है। सम्यक का प्रकाश शब्दों के पराधीन नहीं है, सम्यक का प्रकाश ज्ञान से उज्जवल होता है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से उज्जवल होता है, सम्यक ज्ञानम चरणम सुख्यम, सम्यक का प्रकाश आचरण से आपका जो सुख में आचरण होगा ना, आपकी जो सुख में निराकुलता जीव देखेंगे ना, आपका जो सुख में जीव परिणमन देखेंगे ना, जो अन्य अन्य भव जीव आपको आनंद में देखेंगे तो आपके आनंद की अनुमोदना करके वो सम्यक को प्राप्त कर लेंगे,
लेकिन कब? जब आप खुद राग देश के परिणमन से दूर होके, जब आप खुद राग देश की कसाय से, दूसरों से स्वार्थ अहम छोड़ के, दूसरों के कर्तव्य भोक्तत्व के भाव छोड़ के, जब आप स्वयं जिनेन भगवान की वाणी की अनुबोधना में रत हो जाएं, जब आप प्रपंचों से मुक्त होके राग देश कसाय का पक्ष छोड़ के आप जिन शासन के अनुयायी बन जाएं, तो जिन धर्म की प्रभावना अपने आप हो जाएगी। आप बहुत सारी प्रभावना करें, बहुत सारा दान दे, वो तो व्यवहार है, उससे हो या नहीं हो निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ आप स्वयं जिनेन भगवान के शिष्य बन जाएं, आद्यम अनादि शुद्धम रूप तत्व को पी लें, तो जिन शासन की प्रभावना हुए बिना रहने वाली नहीं। यदि प्रभावना करने का यदि किसी को राग हो तो एक कार्य करके बताओ, जिनेन भगवान के शिष्य बन के बता दो, अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा का पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट है, जैसा उनके केवल ज्ञान में तत्वों का स्वरूप झलका है, वैसा ही तत्वों का स्वरूप स्वीकार करके अपने सम्यक ज्ञान की ज्योति को जला लो। केवल ज्ञान की नोत सम्यक ज्ञान है, अरे तुमने केवल ज्ञान की नोत सम्यक ज्ञान की ज्योति को अपने हृदय में जला लिया, तो जिन शासन की प्रभावना तीनों लोकों में होगी वो निर्वाण होगी। लेकिन तुम सम्यक ज्ञान की ज्योति को अपने अंदर जलाओ तो राग देश के विकल्पों से, मन के पक्षों से, अज्ञान के पक्षों से, नाना प्रकार के भय से, शल्य से, शंका से ऊपर उठ के मम आत्मा गुणम शुद्धम, अपने आत्मा को गुणों से शुद्ध जान के नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, उस शाश्वत ध्रुव चेतना को अपने अंदर में नमस्कार तो करो, वेदन तो करो, अनुभूति में तत लो, ज्ञान विज्ञान में मंगल पद से मिलो तो ज्ञान विज्ञान में परम पद से अपना मिलन तो करो, वेदन तो करो, वेदन तो करो, अनुभव तो करो, ये तो चैतन्य में ही स्वरूप हूँ, चैतन्य में ही पिंड हूँ, ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ। देखो तो चेतना लक्षण धम्म चेतयंती सदा उदय, हे बुद्धिमान उस चैतन्यता का सहकार तो कर, तीनों लोकों में वो चेतनता का ही सहकार है, तीनों लोकों में वो चेतनता ही विद्यमान है जो जान रही और देख रही है, सब जाननहार है, सब ज्ञाता दिशता है, सब भगवान आत्मा है। ऐसे परम पारिणामिक ध्रुव सत्ता की प्रभावना करना है तुझे, जिन शासन की प्रभावना करना है, सम्यक दर्शन को तो अंगीकार कर, आद्य मनादि शुद्धम रूप वीतराग ममल पद को, ध्रुव पद को स्वीकार तो कर, स्वीकार अंतर हृदय से, अपने आप ही प्रभावना होगी जिन शासन की, अपने आप ही प्रभावना होगी और निर्दोष प्रभावना होगी, और ऐसी प्रभावना होगी जिस प्रभावना के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, कोई कर्म नहीं बाधित कर पाएंगे, जिस प्रभावना को ना कोई कर्म रोक पाएंगे, जिस प्रभावना को ना कोई विकल्प रोक पाएगा, जिस प्रभावना को ना कोई कसाय रोक पाएगी, जिस प्रभावना को ना कोई संसारी जीव रोक पाएगा, जिस प्रभावना को ना कोई विकल्प कोई भी नहीं रोक पाएगा, जो प्रभावना तीनों लोकों में जैसे सर्व भगवान के सर्वांग से निरक्षरी देश निकलती है, उस देश को कोई नहीं रोक सकता। केवल ज्ञानी परमात्मा के अंदर से जो केवल ज्ञान केवल दर्शन का जो शाश्वत पुंज फूटता है, उस ज्ञान सूर को कोई बाधित नहीं कर सकता। वैसे ही जिस जीव के अनुभव में, जिस जीव के अंतरंग स्वीकारता में ध्रुव तत्व का सहकार आता है, ध्रुव तत्व की अनुबोधना उत्पन्न होती है, उस जीव के अंदर से सम्यक के आनंद के और शांति के प्रभाव को इस तीनों लोकों में कोई कर्म नहीं रोक सकते, उस जीव के अंतरंग में भी प्रभाव न हुए बिना रहने वाली नहीं है, अर्थात आत्म स्वभाव का बहुमान आए बिना रहने वाला नहीं है। गुरुमान ने पहले ही तो कह दिया था, कब? माला रण जी में, क्या? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम रत्नत्रयम् लंकृत विश्वरूपम, भैया क्या? तत्वार्थ सार्धम बहु भक्ति युक्तम, क्या? जिनके हृदय में शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव होगा उनके समस्त संकल्प विकल्प गल जाएंगे, रत्नत्रयम् लंकृत विश्व रूपम, वे आत्माएं रत्नत्रय तीन रत्नों से अलंकृत होके तत्वार्थ सार्धम बहु भक्ति युक्तम, बहुत भक्ति और बहुमान से तीनों लोकों में जिनेन्द्र भगवान की वाणी की प्रभावना में रत हो जाएंगे, आनंद में रत हो जाएंगे, जय जयकार में रत हो जाएंगे, वे जीव अपने शाश्वत पंत में, अपने शाश्वत जो ध्रुव स्वभाव है उस शाश्वत ध्रुव स्वभाव में निमग्न हो जाएंगे। ये है प्रभावना, ये ऐसी प्रभावना है जो प्रभावना तीन लोकों में कभी रुकने वाली नहीं। संसार की प्रभावना, शरीर की प्रभावना, शरीर से की हुई प्रभावना, इस प्रभावना तो पुण्य पाप के अधीन है, दंड देना, दान देना,
बाहर कराना, ये कराना, ये सब तो पुण्य पाप के अधीन है। हाँ, ये विशुद्ध भावना से होता है, लेकिन ये तो व्यवहार है। लेकिन निश्चय से यदि सम्यक ज्ञान को, आचरण को अंगीकार कर रहे हो, भेद ज्ञान की कला को जान रहे हो, आनंद में आत्म स्वभाव में निमग्न हो रहे हो, आनंद स्वभाव के आनंद में आनंदित हो रहे हो, चैतन्य स्वभाव के चैतन्य में, चिदानंद में चैतन्य गंध का विलास कर रहे हो, तो इस प्रभावना को कोई रोकने वाला नहीं है। बाहर की प्रभावना तो कर्माधीन है, लेकिन अंतरंग की निश्चैतन्य की प्रभावना स्वतंत्र और स्वाधीन है, और तीनों लोकों में जय जयवंत है। यदि प्रभाव नहीं करना है भगवान, तो भेद ज्ञान की प्रभावना करके बताओ। पर पर्याय से भिन्न में एक अखंड अविनाशी गायक स्वरूपी भगवान आत्मा, किसी पर से कोई संबंध नहीं, आद्या अनादि शुद्धाम, ये मेरा स्वरूप है। प्रभाव नहीं करना है तो अपने जिन शासन शाश्वत कुल की करके बताओ। जैसे जिनेन्द्र भगवान निर्दोष भाव से, निरपेक्ष भाव से तीनों लोकों में दुंदुई सब निरक्षर शब्द से ओमकार मई दिव ध्वनि के रूप में प्रभाव न कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने में शांत रहो, सुन रहो, मौन रहो, आपके अंतरंग से आपकी अंतरंग चेतना की प्रभावना अपने आप होगी। आपको एक शब्द उच्चरित करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रभावना अपने आप होगी। बोले तो ना बोले, बोलते हुए मौन रहोगे, लेकिन कब? अरे चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए सुन रहोगे, लेकिन कब? जब आद्य मनादि शुद्धम का बोध, भेद ज्ञान की कला आपके अंदर में बरत रही होगी। यह है जिन शासन की सच्ची प्रभाव, सच्चा जिन शासन, सच्चा वितराग कुल, सच्ची जिन शासन की प्रभावना, यह है सच्ची, जो एक बार अंतरात्मा से प्रकट होती है तो आदि अनंत काल तक, जब तक सिद्धत्व प्रकट ना हो जाए, और सिद्ध परमात्मा की तो सादी अनंत काल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, कभी नहीं रुकती। एक बार ये अच्छे से, एक बार जीव के अंदर में सम्यक दर्शन का प्रभावना प्रकट हो जाए तो वो सिद्ध परमात्मा ही बन जाए, सिद्धत्व को भी प्राप्त कर ले, तो कभी प्रभावना रुकती नहीं है। ऐसा है जिन शासन, जिसकी प्रभावना कभी बाधित नहीं होती। बताओ, नमो सिद्धारण कहना कब बंद होगा? इस तीनों लोकों में कभी बंद होगा? सिद्ध भगवान को प्रणाम करना, सिद्ध स्वभाव को प्रणाम करना कब इस जीव, इस लोक से, इस लोक में कब सिद्ध भगवान का अभाव होगा? कभी होगा? नहीं होगा भैया। जब कभी सिद्ध स्वभाव का अभाव नहीं होगा, कभी सिद्ध भगवान का अभाव नहीं होगा, तो बता सिद्धत्व की प्रभावना कब रुकेगी? जिन शासन की प्रभावना कब रुकेगी? तीन काल में नहीं रुकेगी। जिन शासन कभी 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 आवृत नहीं होगा, जब तक सिद्ध परमात्मा है, जब तक जिन शासन है, और जब तक जिन शासन है तब तक सिद्ध भगवान है, और सिद्ध भगवान भी आदि अनंत तक है, तो जिन शासन भी आदि अनंत तक है। आपके हृदय में सिद्धत्व की अनुभूति हो जाए तो आप भी सिद्ध ही हो भगवान जी, आपकी प्रभावना हो जाएगी चालू। आप मतलब सिद्ध परमात्मा, आप मतलब शरीर नहीं, आप मतलब स्त्री नहीं, आप मतलब पुरुष नहीं, आप मतलब रागी देसी नहीं, आप अपने आप को पर्याय मत देखो, आप मतलब आद्यम आदि शुद्धम, तीनों लोकों का नाथ जिन्नाथ पद, आप मतलब निर्मल दर्शन ज्ञान की बहती हुई धारा, आप मतलब ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव, आप मतलब सुख और आनंद का झरना, आप मतलब जय जयकारमय जयवंत स्वभाव आद्यम आदि शुद्धम, आप मतलब तीनों लोकों का नाथ, तीनों लोकों का नाथ जो गायक प्रभु परमात्मा, जो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला है, वो है दिव्य चैतन्यमय स्वरूप, दिव्य आनंदमय स्वरूप, दुंदुई शब्द जहां से उत्पन्न हो रहा है, निरक्षरी माधवी भाषा में जहां देशना निकल रही है, ओंकार में ध्रुव स्वभाव का जहां संकनाद हो रहा है, जहां जिन वेणन जयवंतन की प्रतिध्वनि खिल रही है, जहां आद्य मनादि शुद्धम का बोध बरत रहा है, इस शरीर से भिन्न जहां निराकार निरपेक्ष ज्ञाता स्वभाव ही मैं हूं, ऐसा श्रद्धान बलवत हो रहा है, बलवत हो रहा है कि मैं तो परमात्म सत्ता हूँ, ये शरीर आदि मेरे नहीं है, संयोग आदि मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूँ, भिन्न, बिल्कुल भिन्न हूँ, निर्ग्रंथ वितराग स्वभाव मेरा स्वभाव। अरे इस शरीर के कपड़े उतारने का नाम निर्ग्रंथता नहीं, इस शरीर की मिथ्या मानता से भिन्न होने का नाम निर्ग्रंथता है, इस शरीर का कर्ता नहीं,
इस शरीर का भोक्ता नहीं, इन राग द्वेष परिणमन में ऊंचा नीचा होने वाला नहीं, इन कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणाम में जुड़ने वाला नहीं, मैं तो ध्रुव वीतराग चेतन में स्वभाव आद्यमनादि शुद्धाम ममले ममल स्वभाव वाला हूँ, ममले ममल स्वभाव वाला हूँ, ममले ममल स्वभाव वाला हूँ। जहाँ दृष्टि एक एक समय की खंड खंड पर्याय से हटके एक अखंड ज्ञान स्वभाव में एकत्र प्राप्त कर ले, एक जिन स्वभाव में एकत्र प्राप्त कर ले, वहां जिन शासन की प्रभावना है। क्यों? जहाँ दृष्टि निरंतराल रूप से बिना अटकन के, बिना भटकन के, बिना संचय, बिना विभ्रम, बिना विमोह आदि के जो मन के संक्लेशित परिणाम होते हैं, इन संचय शंका आदि आदि परिणामों से, इन संचय आदि विभ्रम बुद्धि की कुटेर से मुक्त होके जहाँ जीव की दृष्टि निर्वाध रूप से, निशंक रूप से, निरंतर अखंड और अभेद स्वभाव में अवगाहन करना प्रारंभ कर दे, वहां निरंतर और निरतिचार रूप से जिन शासन की चैतन्यता की प्रभावना है। जितनी निरंतरता आपकी दृष्टि में है ना, निरंतरता कहाँ? ध्रुवत्रकाली में। सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, जितनी निरंतरता आपकी दृष्टि शुद्धता में है, चैतन्यता में है, उतना निर्बाध रूप से जिन शासन का प्रभाव। यदि आपको प्रभाव न करने का राग उत्पन्न हो ना, तो जिन शासन पे दृष्टि ले जाओ आप अपनी, जिन स्वरूप पे वीतराग स्वभाव पे दृष्टि ले जाओ, तो आपका राग सार्थक हो जाएगा। अर्थात राग को छोड़ के वीतरागता प्रकट हो जाएगी। और आप कहो कि भैया हम जबरदस्ती कोई को बदल दे, जबरदस्ती घर वालों को बदल देंगे, भैया तुम आलू मत खाओ, तुम प्याज मत खाओ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगी, और तुम तो खुद ही खा रहे हो, तुम दूसरे का सुधारोगे? भैया तुम यदि किसी दूसरे को बदलने जाओगे तो वो नहीं बदलेगा। तुम तो एक बार अपनी दृष्टि बदलो, अपने 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 अंतरंग में जिनेन भगवान के कहे अनुसार अपना आचरण प्रकट करो, दुनिया तुम्हारा अनुसरण करे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। क्यों? क्योंकि जिन देखो देखो अच्छा एक बार बताओ, महावीर भगवान ने स्वयं कल्याण किया तो आज ये महावीर का वंश खड़ा है या नहीं खड़ा? यदि महावीर भगवान ने स्वयं कल्याण नहीं किया होता तो आज आप और हम उनके पीछे चल रहे होते क्या? भैया तुम तो खुद अपना कल्याण कर लो, पूरा समाज तुम्हारे पीछे स्वयं चलेगा, तुम दूसरे को सुधारने के लिए क्यों लगे भगवान? तुम स्वयं अपनी दृष्टि सुधार लो, आनंदम परमानंदम, मैं तो सबसे भिन्न निराकार चैतन्यमय स्वरूप परमात्मा ही हूँ, मेरा किसी पुद्गल पर्याय से कोई संबंध नहीं है। आद्य मनादि ये है जिन शासन की प्रभावना, निर्दोष प्रभावना, निर्वाद प्रभावना, निर्विकल्प प्रभावना, और ऐसी प्रभावना जिस प्रभावना को कर्म मल भी नहीं ढक सकते, कोई शत्रु भी नहीं ढक सकता, कोई अज्ञानी भी नहीं ढक सकता, कोई कितना ही जोर लगा ले, अपनी चेतनता की प्रभावना कभी रुकती नहीं। एक बार तो शरीर से भिन्नता का भाव प्रकट करो, एक बार तो दुखों से भिन्न अपने शाश्वत सुख का भाव प्रकट करो कि मैं आनंद सुख में हूं, अनंत सुख में हूं। भैया कब तक संसार के दुखों का रोना रहोगे भगवान? एक बार तो वस्तु स्वरूप को अंगीकार करके, जिन भगवान के वचनों को अंगीकार करके, एक बार तो शाश्वत अक्षुण सुख का, परम आनंद का भाव प्रकट करो कि मैं तो परम आनंदमय हूं, मैं तो परम आनंदमय हूँ, मैं तो परम आनंदमय हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ, निर्विकार हूँ, मैं तो परम आनंदमय हूँ, मैं तो निराकार हूँ, निराकार हूँ, निराकार हूँ, निराकार हूँ, मेरा तो निराकार रूप है, तीनों लोकालोक में समाहित निराकार मेरी शाश्वत चेतना सर्वांग से प्रवाहित हो रही है, तीनों लोकों का प्रमाण मेरा स्वरूप है, मैं 5 फुट के शरीर में कैद, ये छोटा सा ये पिंड थोड़ी ना हूं मैं, ये पुद्गल का 5 फीट का पिंड थोड़ी ना हूं मैं लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ध्रुव केवल ज्ञान स्वरूप हूं, आदि और अनंत है मेरी चेतना, 12 पार है, लोकालोक प्रमाण है। अपने आप को इस छोटा सा संकुचित बुद्धि में क्यों देखते हो, इस संकुचित मन में क्यों देखते हो, अपने आप को संकुचित मिथ्या मानता में, घर पुद्गल परिवार की राग आदि विकता व्यसनों की संकुचित मानता में क्यों देखते हो? तुमको तीनों लोकों के सम्राट लोकालोक को प्रकाशित करने वाले जिन जिन वर स्वामी हो भगवान, तुम तो अपने आप को तीनों लोकों के नाथ रूप में क्यों नहीं मानते, तीनों लोकों के नाथ रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते है? अपनी अपनी प्रभावना को तो भैया जीव क्या चाहते हैं, हम लखपति करोड़पति लोग हमारा नाम लें, अरे कितने दिन नाम लेंगे,
ये कोई प्रभाव ना नहीं, ये तो राग कसा है, पुण्य पाप के नाम की बात है। अरे तुम तो अपने लोकालोक वितराग स्वभाव को पहचानो, आदि अनंत काल तक लोग अपने आप तुम्हारा नाम लेंगे, सारी अनंत काल तक नाम लेंगे। आज बता कितने सिद्ध परमात्मा हो गए, उनका नाम आज तक ले रहे हैं लोग। महावीर भगवान के लोग आज तक जप रहे हैं, आदिनाथ भगवान के लोग आज तक जप रहे हैं। भगवान क्या है ये? जिसने इस नाम की पकड़ को छोड़ दिया उसका नाम अमर हो गया, और जो नाम 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 के पीछे मर गया बेचारा बदनाम हो गया, संसार में जन्म मरण करता रहा। भगवान एक बार तो अहंकार छोड़ो, सही कह रहा है, अंतरात्मा से कह रहा है, एक बार तो शरीर पुद्गल काया का अहंकार तोड़ो, एक बार तो मन बुद्धि के विकल्पों का अहम गलाओ, एक बार तो संचय विभ्रम आदि जो अनेक दोष मन उत्पन्न करता है, जो अनंत पर्यायों के अहम के कारण उन पर्यायों पर दृष्टि जमी रहती है, अनंत कसाय और राग आदि की प्रियता के कारण इन एक एक समय की पर्याय परिणमन पर ही अपनी दृष्टि जमी रहती है, एक बार इन पर्याय के अहम को तो तोड़ो तो मैं अपने अंदर में अपना शाश्वत सुख लहलाता हुआ मिलेगा, अपनी शाश्वत शांति लहलाती हुई मिलेगी, अपना अनादि अनंत आनंद असीमित सुख तो मैं अपने अंदर में लहलाता हुआ मिलेगा, तो मैं अपने अंतर में ही अनंत अमृत का कुंभ उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा, तो मैं अपने अंतरंग में ही अनंत वीतरागता का प्रवाह उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। एक बार अहंकार पर्याय का असत अहंकार तो तोड़ो, इस शरीर से भिन्न अपनी चैतन्य निराकार सत्ता को स्वीकार तो करो, तो मैं इस पल इस घड़ी अपने चैतन्य स्वभाव का प्रकाश अपने अंदर से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा, जयकार उत्पन्न होगी, एक जय उत्पन्न, अंदर से आत्मा कहेगी जय हो, एक जय उत्पन्न, एक बार जयकार की आवाज आएगी और अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे, अनंत कसाय क्षय हो जाएंगी, संसार की अनंत अज्ञानता मूर्ता नष्ट हो जाएगी, और ये चेतना लोकालोक को प्रकाशित करती हुई तीनों लोकों में अपने शाश्वत सत्य स्वरूप का प्रकाश करेगी। इसका स्वभाव ही ऐसा है, इस चेतन का स्वभाव ही ऐसा है, इस चेतना का स्वभाव ही ऐसा है, आनंद का स्वभाव ही ऐसा है, वीतराग धर्म का स्वभाव ही ऐसा है, यहाँ कर्ता भोक्ता से यहाँ मैं कर रहा हूँ, मैं जिन भाषा में प्रभाव ना करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं पाल के निकलवाऊंगा, मैं ये करूंगा मैं करूंगा, यहाँ जिन शासन में ऐसा है, ऐसे कर्तत्व भाव से कोई प्रभाव ना नहीं होती, यहाँ तो सहज अंदर से परिणतियां मचलती हैं, सहज अंदर से भावनाएं विशुद्ध होती हैं, सहज अंदर से जीवों के भाव बनते हैं और बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं और पता नहीं लगता, लेकिन भावना विशुद्ध होना चाहिए, यहाँ कर्तत्व से प्रभाव ना नहीं है, कर्तत्व से प्रभाव ना होती है तो राग देश का माहौल बनता है, वेर बेमानुषता प्रकट होती है, और अकर्तत्व से जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पण से यदि कोई कार्य घटित होता है तो कोई वेर विरोध नहीं होता, सहजता सरलता से चारों तरफ जय जयकार होती है, आनंद होता है, महोत्सव होता है, महोत्सव होता है, महोत्सव। अरे गुरु महाराज, मेरे गुरु तारण तरण देव कहते थे, मेरे गुरु तारण तरण देव कहते थे, भैया मेरा महोत्सव अस्थाप का करो, जिन वाणी के अस्थाप का करो, अर्थात अपने ध्रुव तत्व के श्रद्धान का महोत्सव करो, जिन वचनों को अपने अपने अंदर स्थापित करने का महोत्सव करो, अरे मेरे बड़े बड़े मैं कहाँ से लाऊं, मेरे बड़े तो वो है जो मेरा महोत्सव करते हैं। भैया जैसे जिन वाणी के अस्थाप का महोत्सव करते हैं, जिन शासन के भगवान के वचनों के अस्थाप का महोत्सव करते हैं, सम्यक ज्ञान में आचरण का महोत्सव करते हैं, वो या सदगुरु के बड़े हैं, वो या जिनेन परमात्मा के बड़े हैं, वो या जिनेन भगवान के लघुनंदन हैं, वे या जिनेन भगवान के लघुनंदन हैं, जिन भगवान के लघुनंदन हैं, गुरु महाराज के लिए बड़े हैं वो आज कौन, जिस अस्थाप का महोत्सव करत है, आत्मस्थाप का महोत्सव करत है, आत्मवांचन का महोत्सव करत है, सम्यक की प्रभावना का महोत्सव करत है, सत्य की गर्जना का महोत्सव करत है, निर्बाध रूप से जिन वाणी की प्रभावना का महोत्सव करत है, वो है बड़े, ये करोड़पति अरबपति बड़े थोड़े ना, ये तो फकीर चंद है, मंत श्रीमंत ये बड़े नहीं, बड़े तो वो है जो महोत्सव काय का अस्थाप का करेंगे, जिन वचनों का स्थाप करेंगे, जिन वचनों की महिमा से अलंकृत होंगे, जिन शासन की प्रभावना से अलंकृत होंगे, वे हैं बड़े। क्रिया कांड करने वाले, आडंबर करने वाले, दिखावे के लिए बड़े बड़े आयोजन करवाने वाले, ये बड़े नहीं है, ये तो खटीक है,
बड़े तो वो हैं जो सम्यक को अंगीकार करेंगे, सबको अंगीकार करेंगे, जिन्हें भगवान के वस्तु स्वरूप में स्वयं आचरण करेंगे, वो हैं बड़े। भैया यह है जिन शासन की प्रभावना, बाहर से बड़े बड़े काम करवाने से लोग अपने आप को बड़ा बड़ा मानने लगे हैं। हाँ, गुरु महाराज के बड़े वो जो आत्मा में स्थाप करे, भावनाओं में स्थाप करे, शुद्ध भावनाओं का स्थाप करे, भेद ज्ञान से तत्व निर्णय से उनकी वाणी को खोल के उसका अमृत पान करे, वो बड़े। और भैया जो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा के कभी इस वाणी को खोल के ना देखे, वो दरिद्र दीनहीन लाचार। यहाँ तो बड़ा वो कौन, जिन भर स्वामी तू बोलो, अर्थात हे जिन भर परमात्मा तुम बड़े, जिन भर स्वामी तू बड़ो तो मैं अपने में भलो, जिसे अपने चैतन्य का भलीभांति भान होगा, जिसे अपने चैतन्य का भलीभांति बोध होगा, जिसे अपनी आत्मा का भलीभांति सहकार होगा, वो बड़ा। किसके लिए? जिन भर भगवान के समान अपने अप्पा परमप स्वभाव को जानने के लिए, अपने ज्ञान विज्ञान में पद को जानने के लिए। भैया महोत्सव तो अस्थाप को है, श्रद्धा को है, आस्था और विश्वास को महोत्सव है, प्रभावना तो जिन शासन की है, कोई मेरे घर की थोड़ी ना है, कोई समाज की प्रभावना थोड़ी ना है। लोग आजकल समाज की प्रभावना करते हैं, संप्रदाय की प्रभावना करते हैं, घर की प्रभावना करते हैं, मान की प्रभावना करते हैं, इनकी प्रभावना होती नहीं है। प्रभावना होती जिन शासन की, प्रभावना होती वस्तु स्वरूप की, प्रभावना होती आनंद की, प्रभावना होती सुख की, प्रभावना होती वेद ज्ञान की, प्रभावना होती है जय जयकार की, आनंद महोत्सव की प्रभावना होती है। इसकी प्रभावना तो भूल ही गए लोग। भैया लोग भूल गए तो भूल जान लो, अपन तो याद रखो, दुनिया को मत देखो, अपने को तो देखो, अपने अंदर में वो आनंद महोत्सव उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा, अपने अंदर में वो ज्ञान विज्ञान स्वभाव झलक रहा है नहीं झलक रहा, आद्य मनादि शुद्धम की ध्वनि लग रही नहीं लग रही, आम ब्रह्मास्मि शुद्धम की गर्जना फूट रही नहीं फूट रही, जय जयकार जय जयकार जय जयकार अंदर से आवाज आ रही है नहीं आ रही, क्या हो, मैं तो आदि अनादि शुद्ध ही हूँ। अंदर से आत्मा हुंकार भर रही है नहीं भर रही, जिन शासन आयो रे, महोत्सव छाया है, मंगल घड़ी आई है, बधाई बज रही है, काय की 12.5 करोड़ बाद वास्ते भाई, काय के आनंद महोत्सव के, केवल ज्ञान महोत्सव के, निर्माण महोत्सव के, अपने चैतन्य का महोत्सव होगा तो तीनों लोग नृत्य करेंगे, चैतन्य की धुंधुरी बजेगी तो तीनों लोग नृत्य करेंगे भगवान। लेकिन एक बार चैतन्य ऐसे चैतन्य स्वभाव से मिलन तो करो, एक बार ऐसे चैतन्य स्वभाव से स्पर्श तो करो, एक बार अनुभव करके तो देखो, एक बार अपनी आत्मा से मिलकर तो देखो, रोम 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 रोमांचित होके आनंद में हर्ष में उल्लास में विगस्ता हुआ मिलेगा, विगस्ता हुआ परिणति ध्रुव में विलास करती हुई मिलेगी। एक बार निहारो तो नाम 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 मिलन, एक बार स्पंदन तो करो, अनंत चिंगारी अर्थात अनंत क्रांति उत्पन्न होगी, अनंत क्रांति, सम्यक्त क्रांति कांतम, सम्यक्त की अनंत क्रांति उत्पन्न होगी, उससे अनंत वीर उत्पन्न होगा, अनंत प्रसाद उछलेगा और आत्मा में अनंत सुख की अनुभूति होगी, अनंत सुख की, अनंत आनंद की अनुभूति होगी। एक बार मिलन तो करो, अहो 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 मेरा वीतराग मबलपाद, मेरा सिद्ध सिद्ध स्वभाव, मेरी अखंड ज्ञान में चेतना, मेरा ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम ध्रुव शुद्धम, जिन स्वभाव जयवंत है जयवंत है जयवंत है। एक बार अनुभव तो करो, एक बार अनुभव तो करो, मेरा ममल पद जयवंत है, एक बार तो मिलो अपनी ध्रुव चेतना से। तीनों लोग जय जयकार करेंगे, तीनों लोगों में आनंद छाएगा, तीनों लोगों में मस्ती छाएगी, तीनों लोगों में प्रभुता छाएगी, तीनों लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, जयकारे हो जयकारे हो जयकारे हो, तीनों लोग तुम्हारा अभिवादन करेंगे। एक बार अपने ममल स्वभाव को, अपने ममले ममल स्वभाव को अपने हृदय से अंगीकार तो करो, अंगीकृत करो, अंगीकृत जिन वचनों को अंगीकार तो करो, जयवंत आत्मा को, जयवंत सुख स्वभावी आत्मा को अंगीकार तो करो, अंगीकार मेरा प्रभु मेरा परमात्मा मेरा ध्रुव त्रिकाली देव,
मेरा शुद्धात्मा, मेरा शुद्धात्मा देव, मेरा जिन शासन, एक बार महिमा तो गा, एक बार महिमा तो गा, निर्भय होके, निशंक होके, एक बार महिमा तो गा, मेरा जिन शासन, मेरी प्रभुता, मेरी ध्रुवता, अच्छे बहुमान के साथ, बिल्कुल निर्भय होके। ये केवल ज्ञानी परमात्मा के वचन पर विश्वास है ना, श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, जैसा केवल ज्ञानी तत्व का स्वभाव किया वैसा विश्वास है ना, तो वो कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो अभी शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है। एक बार अपने अंदर में करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित जो ध्रुव पद उत्पन्न ही है, एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि करके स्वयं में उसे निहारो तो अनंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, वो अनंत चतुष्टय में व्यक्त है। एक बार तो देखो उसे, एक बार तो अनुभव करो उसे, एक बार तो उसकी महिमा गाओ, एक बार तो कहो कि समस्त राग देश मोह आदि का त्याग करके मैं अपने वीतराग ममल पद को ध्याता हूँ, अपने वीतराग ममल पद को अंगीकार करता हूँ, अपनी सुखमय शाश्वत चेतना को अंगीकार करता हूँ, सारे प्रपंच सारे विभाव भाव का परिहार करके सारे संकल्प विकल्पों की जो गठरी है उसमें आग लगा के मैं अपने ज्ञान विज्ञान में, भेद ज्ञान में, ममल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार करता हूँ। जिन वचनों की जय हो, मेरे ज्ञान विज्ञान में अखंड आनंद में स्वभाव की जय हो। एक बार भगवान, एक बार अंतरोन्मुख होके तो देखो, असीमित आनंद उमड़ पड़ेगा, असीमित आनंद। 12.5 करोड़ छोड़ो, गुरु महाराज ने कहा है जिन्हू अपने रंग मंदिर में कोड़ अनंत उत्पन्न भयो, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित परम केवल ज्ञान सूर्य तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। करोड़ों तो छोड़ो, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा अनंत प्रकाशित तुम्हारा ममले ममल ध्रुव केवल ज्ञान में अर्कबिंद स्वभाव तुम्हें अपने अंतर में, अपने रंग मंदिर में, अपने उपयोग के रंग मंदिर में, अपने चैतन्य मंदिर में तुम्हें वो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशवान परम अतीन्द्रिय आनंद प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। एक बार अपनी अंतरोन्मुख दृष्टि को अपने धृत काली में ही ठेरने तो दो, ठेरो तो ठेकारे हो, एक बार ठेरो तो अव्यास हो, एक बार अवकाश तो लो संसार के विकल्पों से छुट्टी तो लो, एक बार अवकाश तो लो प्रपंच बाहरी प्रपंच से छूटो तो भेद ज्ञान की कला तो उत्पन्न करो, एक बार अवकाश तो लो, एक बार ठहरो तो फिर देखो उत्पन्न अर्क स्वभाव, उत्पन्न अर्क स्वभाव, उत्पन्न अर्क स्वभाव, यह अनंत प्रकाश तुम्हें तुम्हारे अंदर में ही प्रकाशित मिलेगा भगवान जी। एक बार ठहरो तो, एक बार गुप्त होके तो देखो, एक बार तत्व की रुचि जागृत करके तो देखो, एक बार अपनी अंतरात्मा को अंतरंग से बिल्कुल निर्मोही होके, बिल्कुल सारी अपेक्षाओं को त्याग के, एक बार अंतरात्मा को अंतरात्मा से पुकार के देखो, मन वचन काय से नहीं, बुद्धि से नहीं, संकलेश से नहीं, कसाय से नहीं, आशा तृष्णा से नहीं, एक बार अंतरात्मा को अंतरात्मा से पुकार के देखो कि जय हो, जयवंत स्वभाव की जय हो। एक बार अंतरात्मा को अंतरात्मा से पुकार के तो देखो, वो अनंत केवल ज्ञान तुम्हें तुम्हारी प्रतीति में झलकता हुआ दिखाई देगा, वो अनंत सुख तुम्हें तुम्हारी प्रतीति में झलकता हुआ दिखाई देगा, वो अनंत शाश्वत स्वरूप तुम्हें तुम्हारी प्रतीति में, तुम्हारे बोध में झलकता हुआ दिखाई देगा। एक बार देखो तो, विश्वास तो करो जिन भगवान के वचनों का, आस्था तो करो। देखो देखो समय निकल रहा है, समय पूरा हो रहा है, समय अपनी गति से बह रहा है, बाहर में काल घंटा मिनट सेकंड पर्याय का परिणाम बीत रहा है, वो देखो मेरा समय सार ध्रुवत्रकाली जहाँ का तहाँ स्थाई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरा स्व समय स्व केंद्र बिंदु अनंत कोण सूर्य प्रकाश, मेरा अर्क बिंदु स्वभाव शुद्धात्मा स्व समय परमात्मा अपने विंद स्थान में स्थित है। देखो बाहर का एक घंटा जागा गया, लेकिन अंतर का समय सार अनादि काल से जैसा का तैसा विद्यमान है। एक बार तो समय स्वरूप का स्वीकार करो, पर समय की दृष्टि त्याग के एक बार तो स्व समय स्वभाव की अनुबोधना करो, एक बार तो जिन शासन की प्रभावना में सम्मिलित हो, अरे एक बार अंतरात्मा से जिन शासन की प्रभावना में सम्मिलित हो गए तो अनादिकाल के लिए सुखी हो जाओगे, अनादिकाल के लिए।
अनंत काल के सुखी हो जाओगे। यदि एक बार सच्ची सम्यक की प्रभावना हो गई तो फिर ये जीव किसी भी हालत में संसार में रुलने वाला नहीं है, किसी हालत में संसार में दुखी होने वाला नहीं है, अपने शाश्वत सुख को उत्पन्न कर लेगा। एक बार सच्ची प्रभावना में अपना शुद्ध संयोग तो प्रदान करो, अपनी अनुमोदना तो प्रदान करो भगवान जी, अनुमोदन प्रदान करो अपना अनुमोदन, जिन भगवान के अनुमोदन को, जिन भगवान के वचनों के सहकार को, अनुमोदन को प्रकट करो। एक बार तो अनुमोदन प्रकट करो कि हाँ ये अनंत कोण रश्मि चैतन्य सूर दैनिक प्रमाण प्रकाश मेरी ही ज्योति है। एक बार तो अंतरात्मा से अनुमोदन करो, एक बार तो अनुमोदन करो कि जिन शासन मेरा ही अपना स्वरूप है, केवल ज्ञान मेरा ही अपना स्वरूप है, अनंत चतुष्टय मेरा ही अपना स्वरूप है, ये जिन वाणी मेरा ही अपना स्वरूप है, ये जिन ध्रुव शब्द ज्ञान विज्ञान में ममल पद, ये तरण तरण विमान ये मेरा ही अर्थ ध्रुव बिंद मेरा ही ममल पद है। एक बार तो अपना अनुमोदन दो, एक बार तो अपनी सहमति दो, हे भव्य आत्माओं एक बार तो अंगीकार करो कि मैं ही ध्रुव त्रिकाली हूँ, मैं ही ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं ही सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। एक बार तो अपने अंदर अंतरात्मा का समर्थन दो। देखो अनादिकाल से संसार को सर पे बिठाया तुमने तो कितने दुखों को भोगा है, संसार का समर्थन किया, संसार का पक्ष किया तो कितनी आकुलता का भोगा है, लेकिन आज नहीं, इस पल नहीं, इस घड़ी नहीं, इस पल तो इस घड़ी तो मेरा ममल है ममल स्वभाव। एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव को अंगीकार करो, एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव को अंगीकार करो, एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव को अंगीकार करो। इसके अलावा किसी को पहचानो ही मत, इसके अलावा किसी को देखो ही मत, इसके अलावा किसी को सुनो ही मत, इस पल इस घड़ी इस क्षण अपने में अंतरोन्मुख होके अपने स्व समय परमात्मा की अनुमोदना करो। यही सच्ची प्रभावना है भगवान, स्व समय स्वभाव शुद्धात्मा की अनुमोदना करो, स्व समय चैतन्य अनंत अनंत सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित अपने चैतन्य ज्ञान पिंड ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करो, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना, अनंत प्रकाश पुंज परमात्मा की अनुमोदना, अनंत ज्ञान प्रकाश पुंज परमात्मा की अनुमोदना, अनंत ज्ञान प्रकाश पुंज परमात्मा की अनुमोदना। देखो ना इस समय वो ज्ञान और दर्शन तुम्हारे अंदर में लहला रहा है, तुम ज्ञान दर्शन से रहित नहीं हो, यह आत्मा ज्ञान दर्शन का पुंज है, ज्ञान दर्शन में चेतनता इसका स्वभाव है और ज्ञान दर्शन में चेतनता इसके सर्वांग में बह रही है। इस शुद्ध सर्वांग में बहती हुई शुद्ध चेतना शुद्ध उपयोग चेतन लक्षण में परमात्मा का सहकार तो करो, सहकार करो, सहकार करो, सहकार करो कि हाँ मेरा ही स्वभाव है ये शुद्ध, मेरा ही स्वभाव है ये शुद्ध, मेरा ही स्वभाव है ये सम्यक्त में, मेरा ही स्वभाव है ये सुख में, मेरा ही स्वभाव है ये आनंद में, मेरे ही स्वभाव है ये चैतन्य में। एक बार नहीं, बार बार, बार बार नहीं, अनंत अनंत बार इस स्वरूप को स्वीकार करो, इस स्वरूप का स्वीकार करो, यही मुक्ति का दायक है, यही सुख का जनक है, यही आनंद का महोत्सव है, यही सच्चे सुख की परिभाषा है। क्या? कि शरीर से बिंद में निराकार परमात्मा, यही सच्चे सुख की परिभाषा है, शाश्वत, यही शाश्वत है, यही शिवपुर है, यही मुक्ति है, यही यही है सब कुछ जिसको तुम चाहते हो, यही निराकुलता है, यही आनंद है, यही ध्रुवता की प्रतीति है, यही आत्मा का बोध है, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। एक बार इस आद्यम अनादि शुद्धाम ध्रुव त्रिकाली परमात्मा को स्वीकार तो करो, अंतरात्मा से अंगीकार तो करो कि मैं ध्रुवी हूँ, मैं ध्रुवी हूँ, मैं ध्रुवी हूँ, मैं ध्रुवी हूँ, मैं ध्रुवी हूँ। ध्रुवता के अलावा और मेरा कोई परिणमन ना, कसाय में मेरा परिणमन, राग में मेरा परिणमन, ना मोह में मेरा परिणमन, ना कर्तत भोक्तत में मेरा परिणमन, मेरा परिणमन तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है और ध्रुव है, ध्रुव के अलावा मेरा कोई परिणमन नहीं है। एक बार तो स्वीकार करो, सही कह रहा है, यदि अंतर आत्मा से अंतर हृदय से एक बार भी स्वीकार कर लिया, एक बार भी स्वीकार कर लिया तो ये अनंत संसार उसी क्षण गल जाएगा, उसी क्षण, एक क्षण नहीं लगेगा अनंत संसार गलने में, अरे एक बार स्वीकार कर लिया तो। इसलिए हे बब जीवो, त्रिभुवन में जब सुख की तलाश है तो परम सुख में अतीन्द्रिय आत्मा तुम्हारे पास है,
एक बार उसका स्मरण तो करो, एक बार उसका स्मरण तो करो, एक बार उसका स्मरण तो करो कि मेरे त्रिकाली, मेरे ध्रुव भगवान आत्मा, मेरे गायक प्रभु, तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है और नमस्कार है। एक बार तो अभिवादन करो। एक बार का अभिवादन अनंत कर्मों को क्षय कर देगा। सही कह रहे हैं गुरु महाराज, कहते हैं ना नाम 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 मिलन, एक बार का मिलन घनघातीय कर्मों को क्षय कर देगा, घनघातीय कर्मों को क्षय कर देगा भगवान। घनघातीय कर्म क्षय हो जाएंगे एक बार के मिलन में। एक बार की शुद्धात्म अनुभूति अनंत संसार को क्षय कर देगी। एक बार का अर्क ध्रुव स्वभाव का, अर्क बिंदु स्वभाव का दर्शन अनंत 84 लाख योनियों को पल में गला देगा, पल में गला देगा भगवान। एक बार विश्वास करने की बात है भगवान, एक बार भेद ज्ञान की कला सीखने की बात है। एक बार यदि आनंद आ गया, एक बार अतीन्द्रिय स्वभाव सुख उत्पन्न हो गया, तो फिर ये 84 लाख योनियों के दुख अपने आप मिट जाएंगे, अपने आप ऐसे मिट जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं, ऐसे मिट जाएंगे ये दुख। इसलिए भगवान जी जब इतना सहज, इतना स्वरूप, इतना सरल, मम आत्मा गुणम शुद्धम, जब मेरा ही मार्ग है, तो फिर मेरे मुझको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है और नमस्कार है। मेरे मुझको, मेरी अपनी निज चेतना को, मेरी मेरी अपनी निज ध्रुवता को और मेरे अर्कबिंद अपने निज स्वभाव को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है और नमस्कार है। भैया बस इस तरीके से ही अपनी चेतना से होने वाला वारा मिलन, यही जिन धर्म की प्रभावना है। इसका जितना बहुमान आएगा, इसकी जितनी ललकार लगेगी, इसकी जितनी हुंकार लगेगी, जितने आनंद में आप निमग्न रहोगे, उतने जिन शासन की प्रभावना होगी भैया, और सभी भव्य जीवों के हृदय से जिन शासन की प्रभावना तो निर्दोष हो ही रही है, ऐसी जिन शासन की जो शुद्ध प्रभावना है, इसकी बारम्बार अनुबोध न करो और अपने जीवन से भी ऐसे जिन शासन की प्रभाव ना हो, ऐसी भावना भाव, भैया भावना भाव मतलब भैया क्या करे, पर्चे बांटने लग जाए, अरे नहीं, अपने आत्म अनुभव में लीन रहो तो प्रभावना अपने आप ही होगी। इसलिए भैया सच्चे प्रभावना अंग को, सम्यक दर्शन को स्वीकार करके जिन शासन की प्रभावना में हर भव्य आत्मा का जीवन बीते, हर जीव के अंदर में जिन शासन की प्रभावना उत्पन्न हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो। चैतन्यमय ध्रुव भगवान आत्मा की जय।